गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियल प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि इस लॉकडाउन में जो भी ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं वो एक नंबर लिख रहा हूँ, इस पर अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा उनको, ठीक है। 9555049444, इसमें से जो भी 6, 7 एंड 8 के स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनके लिए नया एक ग्रुप बना दिया जाएगा। एक ग्रुप में ऐड करके फिर उनका एक टाइम सेट करके उनको डेली बेसिस पे ये क्लास दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लास बिल्कुल जूम ऐप पे रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं इस पार्ट में, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग आते हैं, विच रेशियो इज ग्रेटर, ये क्वेश्चन नंबर 15 में है। तो इसमें ये दो रेशियो आपके सामने दिया हुआ है, 6:11 एंड 4:9, ठीक है। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, समझिएगा। सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर समझना चाहते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लीजिए पहले। इसको आप फ्रैक्शन में डालते हैं 6/11 और इसको डालते हैं आप 4/9। तो अब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर का आप पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इन दोनों का कितना आता है, 11 और 9 का, दैट इज 99। तो इसमें आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर 99 लाना है, ठीक। तो अब इसके लिए अगर आप देखते हैं, ठीक, तो इसमें ये करना है 99 नीचे लाने के लिए आप इसको 9/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसको आप 99 लाने के लिए 11/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाता है आपका कितना, 6 × 9 दैट इज 54/99, और ये आ जाता है आपका 44/99। तो अब देखिए, डेनोमिनेटर जब सेम हो गया, तो फिर अब इन दोनों में जो बड़ा है, जो ग्रेटर है, वही ग्रेटर है। तो इन दोनों में कौन से ग्रेटर है, 54, तो ये वाला रेशियो बड़ा हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये 6/11 इसका बड़ा हो गया, ठीक। एक बार फिर से समझिएगा, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। अब जो भी डेनोमिनेटर इसका आ रहा है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आता है 99, तो इसको भी 99 बनाना है और इसको भी 99 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 9/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये 99 आ गया नीचे, ऊपर आ गया 54/99। और इसको हम 99 बनाने के लिए नीचे वाले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, ऊपर भी 11/11 या 9/9 इसी में लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम कट करते हैं तो वैल्यू आता है 1, जो कि इस पर असर नहीं डालता है, इट रिमेन्स सेम। तो अब इसको देखा जाए तो ये हो गया 44/99। तो 44/99 और 54/99 में जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा, वही यहाँ पर भी ग्रेटर होगा। तो ये 54/99 बड़ा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन में कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये सेम रहने पर न्यूमरेटर जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहां पर आता है सेम चीज। तो इसको आप क्या कीजिएगा, पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कर लीजिए। ये 5/2 हो गया, ना 5/2, 5/2 और 1/3, ठीक। तो इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, अगर सही मायने में देखें तो पहले जिस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था, याद है ना कि इसका एलसीएम ले लिया, मान लीजिए 2, 3 का होता है 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो अब ये कट गया 3 और ये हो गया 2, दैट इज 15/2, 15:2 और ये हो गया 17:2, ठीक। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, अगेन इसी प्रोसेस में आ जाते हैं, 15/2 एंड 17/2। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा है वही बड़ा, दैट इज 17/2, इट मीन्स ये रेशियो हमारा बड़ा है। याद रखिएगा, ये वापस उसी प्रॉब्लम में चलना है जो कि मैंने आपको बताया था, इम्प्रॉपर को पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर उसके बाद ला करके हम एक रेशियो में कैसे बदलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसको बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। एक्चुअली मैं स्पेस बना रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाए और आगे बनाते जाए। अब आता है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 5:6 एंड 2:3। ये बहुत इजी सवाल है, इसमें क्या करना है आपको, ए को ए से और बी को बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले वाले को पहले वाले से, जो प्रीवियसली दिया हुआ है, इट हैज टू बी मल्टीप्लाई विद द प्रीवियस वन, एंड
it is given later, then later one has to be multiplied with the later one. It means 10 is to 18. 10 is to 18 हो गया, और इसको आप डिवाइड कर दे, that is 5 is to 9. ठीक, again here that is 14 is to 9, और ये है 1/7 is to 1/3. ठीक, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कीजिए 14 into 1/7 that is 2, और ये हो गया 9 into 1/3, 9 into 1/3 करते हैं कितना होता है 3, ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 3 है, 2 to 3 का रेशियो में आ गया. सिंपल, ये बहुत इजी है. अब आता है इसमें फाइंड a:c इफ a:b is equal to 2:5 and b:c is equal to 4:7. तो आप बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि a:c निकालना है तो 2:7 कर दिया, नहीं ये गलत होता है. ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए b का अलग वैल्यू है, यहां पर b का अलग वैल्यू है. इस प्रोस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहां पर b का अलग वैल्यू मान लीजिए कि नहीं है, सेम है, बी ऑब्वियसली बात है, बी जो है यहां पर सेम ही रहेगा, लेकिन सी का वैल्यू बी के साथ वैरी कर जाता है और ए के साथ अलग वैरी करता है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन रेशियो निकालेंगे, मींस a:b:c, तब फिर जो आएगा उस रेशियो से हम लोग इसको मिला लेंगे. तो चलिए आते हैं, आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं बनाने के. सबसे पहला तरीका क्या है, देखिएगा, हो सकता है कि स्कूल में ये वैलिड ना हो, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज ज्यादा समय तक रहे, इसलिए मैं ये चीज बता दे रहा हूँ ये ट्रिक आपको. जैसे ये a:b है और नीचे फिर लिख लीजिए b:c, समझिएगा ध्यान से. ठीक, कभी भी एग्जाम में आप भूल जाइए अगर, तो ये अगर तरीका अपना लेते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा, और ये लंबे समय तक याद रखने के लिए है आपका. फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है. सबसे पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी को सी से मल्टीप्लाई कीजिए. ध्यान दीजिएगा, b दो बार मल्टीप्लाई होगा, चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो. ठीक है, पहले a को b से, फिर b को b से, और b को c से. ऊपर वाला b दोनों एक बार b से एक बार c से मल्टीप्लाई, और नीचे वाला b एक बार a से एक बार b से मल्टीप्लाई होगा. तब a b की जगह पर क्या है, 2:5, और दूसरा दिया हुआ है 4:7. समझिएगा ध्यान से. अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया दैट इज 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया दैट इज 20, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया दैट इज 35. ये a:b:c निकल गया. अब a:c पूछा जा रहा है, तो a की वैल्यू यहां पर 8 है और c की वैल्यू है 35, इट मींस दैट इज 8:35. ये एग्जाम में आप लिखेंगे, हो सकता है नंबर मिल भी जाए, या कोई टीचर नहीं गिरे, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं जिस प्रोसेस से आपको नंबर मिलेगा. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये a:b और b:c जो लिखा हुआ है, इसमें आप क्या कीजिएगा, इस वाले b से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नीचे वाले b से. ठीक है, और ऊपर वाले b से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. अभी देखिएगा कैसे करते हैं. जैसे ये दिया हुआ है a:b, दिया हुआ है 2:5, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा, नीचे वाला b:c क्या है, 4:7. तो हम इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, ठीक है, और नीचे वाले को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, इससे क्या होगा कि b का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब सेम आ जाएगा दोनों में. अब देखते हैं कैसे, इसको आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 4 20. अब इसका वैल्यू अगर देखेंगे आप तो क्या हो जाता है, 5 4 20, और ये हो गया 5 7 35. ठीक है ना, तो ये b का वैल्यू सेम हो गया. अब सेम हो गया तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 8:20:35. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को a:c पूछ रहा है, तो 8:35 आपसे लिख दिया, a:c = 8:35. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं 90 नंबर से, फिर देखते हैं कैसे कौन सा सवाल बनता है. चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 से लेकर के 24 तक. तो इसमें अब आपका बहुत इजी प्रॉब्लम आ गया इसमें. हाँ, जैसे दिया हुआ है डिवाइड 72 इन द रेशियो ऑफ 5:7:6,
याद कीजिए हम लोग दो वाले को जैसे डिवाइड करते थे, दो रेशियो रहता था, ऐड कर लेते थे टोटल रेशियो को, फिर उसके बाद एक का पार्ट एक में, दो का पार्ट दूसरे में, तीन का पार्ट तीसरे में, सेम यही है, बस इसमें तीन है। जैसे ये हो गया 576, दैट इज 18, 18 हो गया टोटल रेशियो, सम ऑफ द टोटल रेशियो लिख लीजिएगा, सम ऑफ द टोटल रेशियो इज इक्वल टू 18। देन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कितना होता है 5/18 ऑफ 72, इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोला जा रहा है 7/18 ऑफ 72, थर्ड पार्ट जाएगा 6/18 ऑफ 72। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो बच्चा वाला चीज आप लोग कर ही सकते हैं, इतना एक्सपर्ट हो गया है तो। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, डिवाइड 113 रेशियो ऑफ, सेम जैसे कि मैंने बताया था कि पहले फ्रैक्शन वाले रेशियो को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो गया दैट इज 12 हो गया, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है दो दो वाला, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करते तो यह हो जाता है 6, ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है 3, ठीक है, 6 4 3। तो अब 6:4:3 में आ गया, अब इसे क्या करेंगे हम, अगेन इसी तरीके सॉल्व करेंगे, सम ऑफ द टोटल रेशियो तो कितना हो जाता है 13, ठीक है, सम ऑफ द टोटल रेशियो 13। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 6/13 ऑफ 130, सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा 4/13 ऑफ 130, और थर्ड पार्ट हो जाएगा 3/13 ऑफ 130। क्लियर है, इसको अगेन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 90 नंबर। 20 नंबर भी सेम ही है, बस उसमें सिर्फ नाम दिया हुआ है, क्या क्या अनु है, पेनी है, जो जो नाम है उसका रेशियो दिया हुआ है। इसी तरीके से तीनों रेशियो को लेके सम ऑफ द टोटल रेशियो कर लीजिएगा, फिर पहला जो भी नाम दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ए नाम दिया हुआ है तो जो भी उसका पहला पार्ट आता है, फिर अनु है, फिर बेनी है, जो भी है अपने नाम से उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, कुछ 1,08,000 के आसपास उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो उसमें से आप देख लीजिएगा क्या क्या रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, उसको ऐड कीजिएगा फाइनली। वो नीचे एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए जैसे 130 वाला भी हम लोग बनाए तो एक रेशियो दिया हुआ है आपका, मान लीजिए 5 है 7 है 1 है, तो ये क्या है ना, सॉल्व करके कहेंगे 13 आया, तो ये 30 से डिवाइड होता है, तो उसी तरीके उसको देख लीजिए, वो देखते ही पता चल जाएगा कितना आएगा आंसर। अब आते हैं 22 में, डिवाइड रुपीज 66,000 बिटवीन ए बी एंड सी, बिटवीन ए बी, बिटवीन अमंग होगा, पता नहीं इसमें क्या दिया होगा, ग्रामेटिकली दो से ज्यादा में होता है ना, तो बिटवीन की जगह अमंग आता है, बिटवीन दो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिवाइड रुपीज 66,000 अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए हैज ट्वाइस एज मच एज बी, समझिएगा, ए हैज twice as much as B and B has half as much as C। अब मान लीजिए B का अगर रेशियो दिया हुआ है 1 तो C का आधा है, यानी C से डबल है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं कि let the ratio B of B is 1, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये आपका 3 thrice है या twice है, आप देख लीजिएगा, thrice होगा तो thrice कर दीजिएगा, ये 1 है, इसको 3 कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे ट्वाइस ही पढ़ने में आया था क्वेश्चन में ये वाला, ठीक है, कि ए हैज ट्वाइस, अब देखिए थ्राइस होगा तो यहाँ 3 होगा, ट्वाइस है तो ठीक जा रहा है। तो ये हो गया आपका, ये चूंकि बी बी कॉमन है मतलब सेम है, तो इसको आप 2:1:2 में कर दिए, ठीक है। अब ये रेशियो बट गया ए बी सी, तो अब ये क्या हो गया 2:1, यानी टोटल सम ऑफ द टोटल रेशियो लिख लीजिएगा, सम ऑफ द टोटल रेशियो इज इक्वल टू 5। तो इसका पार्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज 2/5, सेकंड पार्ट इज 1/5, थर्ड पार्ट इज 2/5 ऑफ जो भी यहां पर अमाउंट दिया हुआ है। और अगर यहां पर मान लीजिए 3 आता है, थ्राइस दिया हुआ है, 3 रहता है, तो ये टोटल 6 हो जाएगा, देख लीजिएगा, तो 3/6, 1/6, 2/6 जो भी है, यानी कहने का मतलब है कि अगर थ्राइस है तो ये रेशियो आ जाएगा, ठीक, और ट्वाइस है तो यही रेशियो रहेगा 2:1:2। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ये पढ़ने में नहीं आया था, क्लियर फोटो नहीं आया था, इसलिए मैं नहीं समझ पाया। हाँ, तो यहाँ पर अगर है तो ये 6 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा पार्ट 3/6, 1/6, 2/6, ठीक है, अगर ये मतलब कि क्वेश्चन है तो, और अगर ये क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 2/5, 1/5, 2/5 ऑफ,
जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, होप यहाँ तक समझ में आ गया, आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये अंतिम दो सवाल, इससे एग्जाम में आपका सवाल रहेगा, ठीक है, कम नंबर का ही रहेगा लेकिन डेफिनेटली रहेगा सवाल इससे, समझिएगा। ये एक एक लाइन का सवाल है बस। इन विच रेशियो शुड बी इंक्रीज 24 टू अपटेन 32। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो, चाहे इंक्रीज करना हो या फिर रिड्यूस करना हो, घटाना हो या बढ़ाना हो, सिंपल सा इसका फंडा है कि आप यहां पर जो भी नंबर है इन दोनों को देख लीजिए, ठीक है, फाइनल नंबर बाय इनिशियल नंबर सॉल्व 32 बाय 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और ये आपको फाइनल बाय इनिशियल, इसमें भी रिड्यूस में भी फाइनल बाय इनिशियल कर देना है, सिंपल सा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, रिजल्टेड रेशियो या फिर रेशियो, और उसके बाद इसको लिख करके आप फाइनल रिजल्ट 32 बाय 24 कर दीजिएगा 4/3। इसमें है रिड्यूस भी करना है कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला लेके चलना है, 80 बाय 100 कीजिएगा तो यह हो जाएगा 4/5, ठीक, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें दिया हुआ है रिड्यूस 105 इन रेशियो 3:5, इंक्रीज रुपीज दिस मच इन रेशियो दिस। इसमें भी क्या करना है आपको, ये भी दोनों एक ही फॉर्मेट पे पड़ेगा, ये है आपका, इसको फ्रैक्शन के रूप में लेके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, जैसे दिया रिड्यूस 105 इन द रेशियो 3:5, तो इसको क्या करना है 105 × 3/5 कर दीजिए, ठीक है, ये कट गया, ये होता है आपका 21 times में 63। अब ये वाला इंक्रीज इन द रेशियो 12.25 × 10/7, 7 से इसको हम लोग कटाते हैं तो ये 175 से कटता है 1.75 × 10, दैट इज 17.5 या 17.50 भी दे सकता है, चूंकि रुपीज का मामला है, ठीक है, या 17.5 भी लिखेंगे रुपीज तो सही होगा, या फिर रुपीज 70 and 50 paise भी लिखेगा तो भी सही होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और मैं चाहूंगा कि आप लोग कल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको सॉल्व करके होमवर्क के तौर पे भेज दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्या है, अगर इसमें एक और एक्सरसाइज होगा तो उसको सॉल्व करेंगे या फिर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लॉकडाउन में जिसको भी ऑनलाइन ट्यूशन की जरूरत है जूम ऐप पे, ठीक है, आप लोग मुझे ये व्हाट्सएप पे ये इस पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से 6 class का 7 class का 8 class का ग्रुप बना दूंगा और उस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, नाम के साथ, अपना नाम, क्लास और अपना नंबर तो मतलब रहेगा ही आपका, उसी नंबर को मैं ऐड कर लूंगा और फिर आपका 2 से 3 दिन में मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू कि कब आपका क्लास शुरू होगा और ये क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।